लेकिन यार इस पर डिमांड है, इसको लोगों को अंदाजा नहीं है कि यार ये चीज कितनी बेनिफिशियल है और आगे फ्यूचर इसका क्या है। हम इस वक्त बहुत पीछे हैं, ठीक है, और दुनिया इस वक्त इस चीज के ऊपर वर्किंग करके छोड़ चुकी है। हमें जब तक हम इस चीजों में नहीं आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यार आगे इसके साथ करना क्या है। तो ये काम करते हैं ना, तुम्हारा चाइल्ड हुड ले लेते हैं, उसमें सारी ब्रीफिंग लिखी हुई वाली होगी ताकि लोग समझ में आ सके और कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो। ट्राई कर ले। We don't support any kind of drugs, smoking or drinking. It's injurious to health. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ informational purpose के लिए है, तो इसको kindly like कर दो के देखिएगा। Assalamu alaikum दोस्तों, मेरा नाम है याह सलीम and I welcome you to our show जिसका नाम है Textile Podcast. तो जैसे कि ये थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ में आ गया हो कि हम आज किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों के जहन में ये बात भी आई होगी कि शायद इस वीडियो में हम ड्रग्स से रिलेटेड कोई बेनिफिशियल चीज़ बताएंगे या इसको इसके प्रोडक्शन में कोई ऐसी चीज़ बताएंगे या इससे कोई नशावर चीज़ बनाने का तरीका बताएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे। हमारा जो बेसिक जो टॉपिक होगा वो होगा हेम्प। सबसे पहले हम आपको इसके डिफरेंशिएट करके बताएंगे कि जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, चर्स, गांजा, अफीम, हैश, हेम्प, इनमें डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे हेम्प बेसिकली क्या है, इस्तेमाल क्या है और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता कि हेम्प कितना बेनिफिशियल है। पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चे हैं और इतना काम किया जा रहा है और हमारे यहाँ पे इसके बारे में कोई भी नोहाव नहीं है। आई होप कि इस वीडियो के बाद काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको इस बारे में कोई डिस्कशन करनी हो तो वो हमसे कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो हमारे साथ हमारी टीम है। आप हमें कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस पे वर्किंग आगे शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैरवाना और हेम्प में डिफरेंस क्या है। तो जैसे भी फ्रूट या किसी भी वेजिटेबल के प्लांट का एक फैमिली नेम होता है, इसी तरह रुटेसिया एक प्लांट फैमिली नेम है जिसमें एक जीन्स पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सिट्रस। अगर हम इस चीज को क्लासिफाई करते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज तो ये कहलाते हैं ऑरेंज, लेमन, ग्रेपफ्रूट, मौसम्बी वगैरह। और अगर हम इसी चीज को क्लासिफाई करते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिट्रस या तो स्वीट होते हैं या सॉर होते हैं, खट्टे या मीठे। इसी तरह कैनेबीस या एक प्लांट फैमिली नेम है जिसमें एक जीन्स पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैनेबीस। अब पहले की तरह अगर हम जीन्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज तो ये कहलाते हैं इंडिका, स्टीवा, ड्रेलिस। और जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये कहलाते हैं मैरवाना या हेम्प। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि मैरवाना और हेम्प दोनों नशावर भाई हैं, लेकिन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो मैरवाना की पहले बात करते हैं कि मैरवाना बेसिकली संस्कृत में मैरवाना को गांजा कहते हैं और वीड एक स्लैंग वर्ड है जो कि मैरवाना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैनेबीस के पौधे में लगे हुए सूखे फूलों से बनता है और इसी तरह जो भांग है वो इसके पत्तों से बनाई जाती है। तो इन शॉर्ट ये जितने भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, मैरवाना, चर्स, हशीश, हैश, ये सारी चीज़ें एक ही हैं लेकिन इनको बनाने के तरीके अलग हैं।
आई मीन के तरीके के बारे में ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ मैं आपको ये बताना चलूँ कि अब जैसे चर्च के आशीष की बात करें तो ये इनके पत्तों और फूलों को हाथ में रगड़ने से जो ट्राइक्रोम्स जमा होते हैं उससे तैयार की जाती है। अब ट्राइक्रोम्स क्या है, तो ट्राइक्रोम्स बेसिकली पत्तों के ऊपर लगे हुए बारीक बाल जो हाथ में रगड़ने से हाथ में जमा हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं क्रिस्टल रेजिन की कोटिंग होती है उसको ट्राइक्रोम्स कहते हैं। अच्छा अब ट्राइक्रोम्स में भी दो चीज़ें पाई जाती हैं, सबसे पहले टेरपेंस और सेकेंडली कैनेबिनॉइड्स। अब टेरपेंस बेसिकली एक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि मोस्टली खुशबू में इस्तेमाल किया जाता है, और कैनेबिनॉइड्स इसे केमिकल सब्सटेंस जो कि आपके नर्वस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है या आपके नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस में चेंजेस पैदा करता है, जैसे मूड बिहेवियर या कॉन्शियसनेस में आपके जो चेंजेस आते हैं या जिसे हम कहते हैं नशे चढ़ गए। तो कैनेबिनॉइड्स जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं, सबसे पहला टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉल THC और दूसरा कैनेबिनॉइल CBD। अब टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉल की बात करें THC की, तो THC इज अ मेन साइकोएक्टिव कंपाउंड जो कि जिसकी वजह से आप हाई फील करते हैं। अब इसी की जगह कैनेबिनॉइल CBD इज अ लेस साइकोएक्टिव कंपाउंड जिसकी वजह से पेन रिलीफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी नोजिया जैसी मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। तो है जितने भी नशे वाली चीज़ें हैं वो सारी मैरिजुआना की कैटेगरी में फॉल करती हैं। अब हेम्प और मैरिजुआना में बेसिक डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉल लेवल THC लेवल। अगर प्लांट में THC लेवल 0.3% से कम है तो वो हेम्प की कैटेगरी में फॉल करता है, और अगर 0.3% से ज़्यादा है तो वो मैरिजुआना की कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छा हेम्प का THC लेवल 0.3% से अबव नहीं जा सकता, लेकिन मैरिजुआना का THC लेवल 30% तक जा सकता है।